हमने यहाँ के पहले गंगानगर, चूरू, बीकानेर और इन सभी के बारे में, हनुमानगढ़ के बारे में आपने मेरी वीडियोस देख ली होगी। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, उसको क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम गोल्डन सिटी जैसलमेर के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला जिला है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से वो बहुत बड़ा जिला है, पहले नंबर पे आता है। यहाँ पर जो इसको स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ के घर हैं वो पीले पत्थरों से बने हुए हैं, इसलिए इसको गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। और इसके साथ ही जब सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती है तब रेत क्या हो जाती है, सुनहरी कलर की हो जाती है, पीली पीली चमकने लग जाती है सूर्य की किरणें पड़ते ही। उसी कारण से इसे द गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। अब देखिए जैसलमेर में जैसी हवेलियां और झरोखे बनाए गए हैं ना, वैसे आपको पूरे राजस्थान में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही विशाल पर्यटक स्थल है और आपको बहुत सी चीजें इसमें देखने को मिलेगी, इसलिए इसे झरोखों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के जो रेत के टीले हैं जैसलमेर में, वो यहाँ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। राजा जो जैसल है उन्होंने जैसलमेर की स्थापना करी थी और 1156 ईस्वी में जैसलमेर शहर की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1156 में जैसलमेर राज्य की स्थापना, जिले की स्थापना की गई थी। पहले जैसलमेर वल्लभ मंडल के नाम से जाना जाता था, पुराना नाम इसका वल्लभ मंडल था। यहाँ पर जो मुख्य रूप से भाटी राजवंशों का शासन रहा था, मतलब जो भाटी लोग थे वो लोग यहाँ पर शासन करते थे। अब आगे देखिए, थार का जो रेगिस्तान है, थार के रेगिस्तान के ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए हैं जो हवा के कारण अपना बदलते रहते हैं, क्योंकि तेज हवा चलती है तो वो टीले अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर टीलों का निर्माण होने लग जाता है। देखिए आगे, जो जैसलमेर है उसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसे रेडक्लिफ रेखा भी बोला जाता है। हमने गंगानगर में भी पढ़ा था, बीकानेर में भी, जैसलमेर में भी लगती है। अब आपने तीन जिले तो पढ़ लिए, आगे आप चौथा जिला भी पढ़ेंगे। जो जैसलमेर का किला है वो ऊपर से देखने से एक मुकुट की आकृति का दिखता है, या घाघरे की दो आकृतियां बनती है, एक घाघरे की आकृति का भी दिखता है। वो बहुत ही सुंदर फेमस किला है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भोरों का अमरकोट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आसपास मिट्टी का काफी एरिया है, इसलिए इसको धोरों का अमरकोट कहा जाता है। जैसलमेर से 130 किलोमीटर दूर तन्नोट माता का मंदिर है, जिसे सैनिकों का मंदिर भी कहा जाता है। जब युद्ध हुआ था उसके बाद, ये बात है 1965 से लेकर 1971 की लड़ाई जब हुई थी तब की बात चल रही है। माना जाता है कि सितंबर 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, उसमें सैनिकों पर पाकिस्तान की सेना ने बहुत ज्यादा बम फेंके थे, तो कुछ बम मंदिर पर भी फेंके थे, लेकिन वो एक भी बम, हजारों की संख्या में बमबारी की गई थी लेकिन वहां पर एक भी बम नहीं फूटा था। मान्यता है कि वहां की जो माता है तनोट माता ने ऐसी शक्ति थी दी कि जिसके कारण अभी भी वहां पर जिंदा बम रखे हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं वीडियो में कि ये जो बम दिख रहे हैं आपको, ये अभी भी वहां पर जिंदा हैं। जैसलमेर जो जिला है वो बिजली उत्पादक या एनर्जी हब बन चुका है। यहाँ पर जो सोलर प्लेट्स हैं वो भी बहुत हैं। अब आगे जाकर बिजली उत्पादक में देश का सबसे बड़ा जिला बनने जा रहा है जैसलमेर। यहाँ पर आपको बहुत सी पवन चक्कियां भी देखने को मिलेगी। सारे प्रोजेक्ट, नए नए प्रोजेक्ट भी आपको जैसलमेर में
देखने को मिलेंगे। अब आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो जैसलमेर से होते हुए गुजरती है। इससे जैसलमेर में खेती को बहुत ज्यादा योगदान मिलता है, क्योंकि इसी पानी से सिंचाई की जाती है और बहुत बहुत से लोग नलकूपों से, कुओं से भी सिंचाई करते हैं। जैसलमेर में एक महोत्सव मनाया जाता है जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, जिसे मरु महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये जो मरु महोत्सव है, ये पर्यटक विभाग की ओर से सेलिब्रेट किया जाने वाला महोत्सव है। पर्यटक विभाग जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। इसमें जैसे बहुत सी कॉम्पिटिशन, बहुत सी प्रतियोगिताएं भी होती है, झूले वगैरह भी लगे होते हैं। जैसे ओढ़ श्रृंगार आपको वहाँ का फेमस देखने को मिलेगा। यहाँ पे मटकी दौड़ होगी, रस्सा कस्सी होगी, ये चीजें, बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ यहाँ का जो कैमल टैटू जो है शो, वो देखने को मिलेगा। यहाँ से उस शो को दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ का जो काइट शो है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। पतंगबाजी की जाती है, वो बहुत ज्यादा फेमस है। इसी महोत्सव में राजस्थानी परिधान पहनते हैं महिला और पुरुष, तो उसमें से कंपटीशन निकाला जाता है कि सबसे सुंदर और सबसे सुंदर महिला और सबसे सुंदर पुरुष को इनाम दिया जाता है। तो जो सबसे सुंदर पुरुष होता है उसको मिस्टर डिजर्ट के नाम से पुकारा जाता है, और जो सबसे सुंदर महिला होती है उमल बनती है। एक संज्ञा माता है जो जैसलमेर में बहुत पुरानी सदियों से चलती आ रही है। राजा महाराजा उनकी बहुत ज्यादा पूजा करते थे। जैसलमेर का जो अभी भी जो राज परिवार वहां पर रह रहा है वो उनकी पूजा करते हैं। उनका जो प्रतीक है वो मुड़ा हुआ भाला है, ठीक है, आप पीछे देख सकते हैं इनकी फोटो। जैसलमेर का जो किला है वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा किला है, पहला चित्तौड़गढ़ का है, सेकंड नंबर पर जैसलमेर का किला आता है। ये फोर्ट एक सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, मतलब यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग अभी भी वहां पर निवास कर रहे हैं। ये आज भी इस किले को वैश्विक धरोहर के नाम से भी या वैश्विक धरोहर के में शामिल किया गया है। सोनारगढ़ किले के बारे में आप देखिए, सोनारगढ़ किले के बारे में जो मैं बता रही हूँ वो बहुत से कम लोगों को पता होगा। उसके अंडरग्राउंड में एक म्यूजियम है जो जिसमें बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। वहां पर जिसे जैसलमेर का भंडार भी कहा जाता है, वहां पर कपड़े और पत्तों पर लिखे हुए ग्रंथ भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें दो बार जौहर हो चुके हैं। ये सिर्फ मिट्टी का किला है, ये जो किला है ये मिट्टी से बना हुआ है, इसमें चूने का यूज नहीं किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से बना हुआ किला है। जैसलमेर को दूर दूर से लोग देखने में घूमने के लिए आते हैं। राजस्थान का पहनावा, यहाँ का खान पान और घूमने के लिए बहुत सी चीजें हैं, तो दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, क्योंकि जो गाइड होते हैं वो उनको घुमाते हैं, तो उनके साथ साथ रह रहकर ये सभी चीजें सीख जाते हैं। तो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो क्या है, बहुत ही अच्छी इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं। जैसलमेर का एक चंदलपुर गांव है, वहां पर चंदन नलकूप नाम का एक कुआं है जिसका नाम चंदन नलकूप रखा गया है। वो एकमात्र ऐसा कुआं है जो मीठे पानी का है। वहां पर आसपास दूर दूर तक ही, बहुत दूर दूर तक ही ऐसा कोई कुआं नहीं है जो जिसमें मीठा पानी मिल सके। और इससे थार का घड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये थार के मरुस्थल में ही है जैसलमेर। यहाँ पर दूर दूर तक मिट्टी, रेतीले टिब्बे होने के कारण पानी की कमी भी देखने को मिलती है, लेकिन ये एक ऐसा नलकूप है जिसमें मीठा पानी मिलता है। जैसलमेर में एक स्कूल है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, राजकुमारी रत्नावली गर्ल्स स्कूल, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स को पढ़ाया जाता है, लगभग 400 लड़कियां यहाँ पर पढ़ती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को या गर्ल्स को साक्षरता देने से है, और
ये जो स्कूल बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये एक वास्तुकला के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है। और जो बच्चों की जो यूनिफॉर्म है वो सभ्यसाची ने डिजाइन की हुई है, एक मशहूर डिजाइनर है सभ्यसाची, उन्होंने डिजाइन की हुई है ये। अब आप देखिए कुलधरा के बारे में, आप देखिए ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव है, था सॉरी, ये रातों रात उजड़ गया। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूतों को भूत देखने को मिले थे, इसलिए सभी लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। और कुछ लोगों का कहना है कि पानी की कमी के कारण यहाँ पर लोग अपना सारा गांव छोड़कर चले गए थे, रातों रात ये गांव खाली हो गया था। जैसलमेर पर एक युद्धवंशी भारतीयों का शासन रहा है, जो 1155 में एक मिट्टी का भव्य किला बनवाया था जिन्होंने, और 12 जुलाई को जैसलमेर की स्थापना की थी। उस टाइम भारत व पाकिस्तान के बीच का जो व्यापार होता था ना, वो जैसलमेर से होकर ही गुजरता था, और उसी से जो व्यापारी थे उनको टैक्स देना पड़ता था, और ये टैक्स लेने के बाद वहाँ के जो राजा महाराजा हैं या जो व्यापारी थे उनको बहुत फायदा हुआ, जिसके कारण जैसलमेर में आपको बहुत सुंदर सुंदर और भव्य हवेलियां देखने को मिलेगी। 1947 की आजादी के बाद जैसलमेर पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं उनके प्रयासों से क्या हुआ, ये राजस्थान का हिस्सा बन गया। और आपने और यहाँ पर जैसलमेर में और भी बहुत सी जगह है घूमने के लिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आई होप आप लोगों के हॉलीडेज बहुत अच्छे जा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। उसके साथ साथ आप प्लीज थोड़ा सा टाइम वीडियो को भी दे दिया कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कीजिए। और आप पिछली वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियोस हैं, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।